दिल्ली से सटे हरियाणा के पलवल की ये मस्जिद भी अब जांच के घेरे में है। एनआईए की टीम आज यहां तफ्तीश के लिए पहुंची। आरोप है कि मस्जिद बनाने में टेरर फंडिंग का इस्तेमाल हुआ। आतंकी संगठन लश्करे तैयबा की फंडिंग की जांच के लिए डीएसपी की अगुवाई में 4 सदस्यों वाली टीम यहां पहुंची। करीब 2 घंटे तक एनआईए की टीम ने मस्जिद के दस्तावेजों को खंगाला। एनआईए की टीम एक डीएसपी के मार्गदर्शन में उटावड़ में जो मरकज़ है उस मरकज़ में कुछ जो संबंधित दस्तावेजों की और मौके की विजिट करने के लिए आई थी, जिसमें आप लोगों को विदित है कि करीब 1 हफ्ता पहले निज़ामुद्दीन मरकज़ से एक लड़के की गिरफ्तारी की गई थी जिसका संबंध उटावड़ हतीन एरिया से लड़के से था। तो उसी संबंध में फॉलोअप के लिए टीम यहाँ आई थी। पलवल के उत्तरा गांव के खुलाफाए रशीदीन मस्जिद में कथित टेरर फंडिंग के इस्तेमाल का मामला दिल्ली से पकड़े गए 3 आरोपियों ने किया, जिनमें मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलमान भी शामिल थे। सलमान, मोहम्मद सलीम और सज्जाद अब्दुल वानी को 26 सितंबर को लाहौर के फलाए इंसानियत फाउंडेशन से फंड हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फलाह इंसानियत फाउंडेशन की स्थापना लश्कर सरगना हाफिज सईद ने की थी। अब एनआईए इस जांच में जुटी है कि टेरर फंडिंग का इस्तेमाल कहां-कहां होता रहा और कहीं आतंकी वारदातों के लिए फंड तो नहीं मिलता रहा है।